Now open page number 84. We know that we eat food to get energy to work. Similarly, all means of transport also need energy or power to move. Fuels are used for running vehicles. The material that produces energy on burning is called fuel. Let us study the fuels used in different vehicles. Number one, coal. Coal is a valuable natural resource. Number two, petroleum. Nowadays, petrol-powered vehicles have changed the lifestyle of people. The travel is becoming faster day by day. Today, almost all forms of transport like cars, buses, scooters, aeroplanes depend on petroleum products like petrol, diesel, and CNG. The full form of CNG is compressed natural gas. Petroleum or crude oil is an important source of energy. It is obtained from the underground mines called oil wells dug deep into the earth's crust. The petroleum so obtained cannot be put to use directly. As it contains many impurities, it is taken to an oil refinery and processed there. From here, petrol, kerosene, diesel, etc. are obtained. जिस तरह से हमको अपनी बॉडी रूपी मशीन को चलाने के लिए, जो हमारी बॉडी है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. इसको चलाने के लिए फ्यूल, क्या फ्यूल लेते हैं हम? खाना खाते हैं ना, न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं. तो जैसे हमको अपनी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल, खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है. तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स के बारे में जानते हैं. तो कोल, कोयले के बारे में आप सभी जानते हैं. ये माइंस से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, उसके बाद फिर उसके अंदर से खदानों से उनको निकाला जाता है. कोयले को निकाला जाता है, इसको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा. फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको बाद में बताते हैं, पहले कोयले के बारे में जान लीजिए. ये एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि ये नेचर्स गिफ्ट है. इसको हम नहीं बना सकते. कोयले को अगर आप चाहें भी तो ये कोयला आप नहीं बना सकते. उसके बाद पेट्रोलियम. नाउअडेज पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स ने हमारी लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया है, और हम दिन पे दिन ज़्यादा फास्ट चल पा रहे हैं. जितने भी फॉर्म्स है ट्रांसपोर्ट के, जैसे कार्स, बस, स्कूटर, एरोप्लेन्स, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर. आपने देखा होगा कि बड़ी सिटीज़ में ग्रीन कलर के ऑटोज़ या कार्स चलते हैं, वो एक्चुअली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी से चलते हैं. एक गैस होती है जो नॉन पॉल्यूटेड होती है और इको फ्रेंडली होती है. उससे, उस फ्यूल का यूज़ करके उनको रन किया जाता है. पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, और ये अंडरग्राउंड माइन से निकाला जाता है, जिनको ऑयल वेल्स कहा जाता है. तेल के कुएं जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, हमारी पृथ्वी के सबसे निचले भाग में होते हैं. सॉरी, क्रस्ट हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह होती है, फिर मेंटल, देन कोर. तो क्रस्ट में पाए जाते हैं. पेट्रोलियम का यूज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. इसलिए इनको पहले रिफाइनरी में ले जाया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, इनको छाना जाता है, कई बार छान के फिर उसके बाद इनसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं. फिर उसके बाद जब ये छन जाता है, वाइट में आ जाता है. देखा होगा ना आपने, पेट्रोल का कलर वाइट होता है.
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता, नॉट वाइट, इट्स ट्रांसपेरेंट। तो वो कई बार रिफाइनरी में प्रोसेस्ड करने के बाद होता है, कई बार छनने के बाद फिर उसका ये कलर दिखाई जाता है, दिखाई देता है, जबकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है वो बिल्कुल काला होता है। डू यू नो कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशंस एंड मूविंग इंजन्स। इन द पास्ट कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग शिप्स एंड ट्रेन्स। इट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट विच चेंज वाटर इंटू स्टीम। स्टीम पुशेज द पिस्टन टू मूव। द स्टॉक ऑफ कोल इज लिमिटेड, देयर फोर वी शुड यूज इट केयरफुली। कोल को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता था पहले पास्ट में। आप अगर अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे या अपने फादर से पूछेंगे तो उनको पता होगा पहले स्टीम इंजन वाली ट्रेन्स चलती थी जिसमें कोल का यूज़ किया जाता था, कोयले का यूज़ किया जाता था शिप और ट्रेन को चलाने के लिए। और जब कोयला जलता था जिससे हीट प्रोड्यूस होती थी और वो हीट से वाटर स्टीम में चेंज होता था और स्टीम पिस्टन को पुश करती थी और फिर इंजन मूव करता था और जिससे पूरी ट्रेन चलती थी। क्योंकि आप पता है कि कोल का जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में हजारों लाखों साल लगेंगे क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली यूज़ किया जाने लगा। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती हैं या फिर डीजल से या फिर डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से ही ज़्यादा चलती हैं, कोल से चलने वाली ट्रेन्स लगभग ख़त्म हो गई हैं आज के टाइम पे। प्रेजेंट टाइम पे कोल का यूज़ थर्मल पावर स्टेशन में किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, राइट। बहुत सारे केमिकल्स, मैनी केमिकल्स आर यूज आर मेड यूजिंग कोल। दीज केमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक, नायलोन एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और ये केमिकल्स ड्रग्स, मेडिसिंस, नायलोन और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। कोयले का यूज़ करके बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज इन विच पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है जिसमें पेट्रा का मीन्स मतलब होता है चट्टान और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो पेट्रा और ओलियम मिलके क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। पेट्रोलियम का मतलब हुआ कि ऑयल रॉक्स के अंदर से, चट्टानों के अंदर से निकाला हुआ तेल, राइट।